पोकेबॉल दे। जो भाई फौजी है वो भाई न्यू टैब जो लोग दिया ना तो दो भी जा रहे अपने साथ की साथ लगवा रहे ना तो वो भी ठीक रहेगा इसके साथ आज ये घूमते फिरते या वो जो अगले छुट्टी होगी तेरी अभी तो है हाँ तो इसके साथ अगले तो आज फिर आज ही दोनों जने आज ही इकट्ठे हो गए तो हो जाएगा भाजी अब भाई घर ही दिक्कत बहुत जो मन होता है तो और ना तो घर के पास आकर सोमवार सुबह जाड़ा लोग चले जाइए डबल हो जाएगा मैंने कट निकाल दोनों काम हो जाएंगे फिर अच्छे से क्या हो गए ये अपना आज चलाए तो भाई भक्त जय श्री राम जय श्री राम। आज आया हूँ शुक्र ताल में मैं आज गंगा स्नान का पावन दिन था तो यहाँ पे घूमते फिरते मैं आ गया इस मंदिर में अर्धनारीश्वर मंदिर में। शुक्र ताल घाट है उससे थोड़ा पीछे लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे ही है ये। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो रात को नहा के आए अब यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे हमें महात्मा जी मिले हैं और बाकी आगे का हाल ये बताएंगे कि महात्मा जी बताइए आपका मतलब आप बोल रहे हैं कि आप स्पेशलिस्ट हो हर इसमें जैसे कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि अर्धनारीश्वर धाम में सभी बीमारियों का इलाज झाड़ से किया जाता है जैसे कि हृदय में दर्द हो गया शराब से छुटकारा हो गया सर दर्द हो गया बच्चा ना होना हो गया रसोड़ी का इलाज हो गया और शरीर में गांठ भूत प्रेत का इलाज लकवा पीलिया जोड़ों का दर्द सभी रोगों का इलाज करता है लेकिन आप लेते कुछ भी नहीं है। हाँ लेते कुछ नहीं है सेवा है ऐसा है। देखिए सबको सबसे पहली बात मैं ये बता दूं जैसे कि ये होता है ना कि पर्चे छपवा दिए और दिमाग में बंदों के यही जाता है कि यार पैसे लगेंगे पैसे लगेंगे ये भी पैसे कमाने वाले होंगे लेकिन सबसे जो स्पेशल बात मैं बता रहा हूँ ये यही है कि महात्मा जी निशुल्क करते हैं बिल्कुल निशुल्क कोई पैसा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप धुने पे घी चढ़ा दीजिए जो अगर आप ठीक होते हैं अपनी श्रद्धा से 100, 200, 300 वो भी आपकी श्रद्धा है आप दे सकते हैं बाकी महात्मा जी बताएंगे। महात्मा जी बताइए पैसे आप क्यों नहीं लेते और आप इलाज क्यों करते हैं फिर? ये ऐसा है जी मेरे को तो इस रोग ओम से बजरंगली से ऊर्जा मिली है और ऊर्जा भी मिली थी मैं किसान के घर में जन्म ले रखा है और ऊर्जा भी जो मिली थी मेरे से प्रकट हो गई थी भगवान ने और वो ऊर्जा मैं इसका वैसे तो वही फायदा नहीं उठाना चाह रहा भाई परमात्मा की दुकान नहीं है मन में ये है कि लोगों की दुख सेवा करनी है मानव सेवा करने के लिए हाँ जी उठाया जो आपके गुरुदेव थे उनसे आपको ये प्रेरणा मिली इससे बड़ा धर्म और मैं कोई नहीं मानता इससे बड़ा जो लोगों के दुख दूर कर रहा है मेरे को ऊर्जा मिल रही है डायरेक्ट आराम हो तो साथ के साथ आराम तुरंत हो भाई। देखिए महाराज जी ने सिर्फ इसी चीज का एक बीड़ा उठाया कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मानव सेवा करना चाहते हैं सिर्फ मानव सेवा के लिए ये खुद के पैसों से पर्चे छपवा रहे हैं। ये यहाँ पे भी नहीं रहते हैं दूर से आते हैं मंदिरों में और जगह जगह ये हरियाणा से आते हैं जगह जगह मंदिरों में जाते हैं अपने पर्चे बांटते हैं कि भाई अगर किसी को रोग है तो ठीक कराओ वो भी बिल्कुल फ्री में। श्रद्धा आपकी है आपको विश्वास हो तो एक बार जरूर पधारें। थोड़ा एड्रेस बता दीजिए महाराज जी इस मंदिर का। ये अर्धनारीश्वर धाम की जगह ये अर्धनारीश्वर धाम है शुक्रताल ये तीर्थ नगरी मुजफ्फरनगर यूपी।
इनका नाम है भगत जी महेंद्र सिंह जी, आप कभी भी आ सकते हैं। और इनसे यहाँ पे जो शुक्रताल मिलने का समय है ये है इनका 10 बजे से 5 बजे तक और इतवार सोमवार दो दिन है जी। एतवार और सोमवार को आप आ सकते हैं किसी भी टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में। बाकी आप एक बार आइए, आपको पहले ही झाड़े में आराम लगेगा, पक्का आराम लगेगा बिल्कुल। कोई भी आपको रोग हो आप एक बार जरूर आइएगा, डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार यहाँ भी दिखा लीजिए, वहाँ भी आप लाखों पैसे फूक रहे हैं। तो ठीक है, जय श्री राम।